हम लोग नेचुरली घर में देखे हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे हमारे लंग्स को हेल्दी करें ताकि हम लंग कैंसर वगैरह से बच के रहें। अगर हम रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज एट होम करते हैं और प्राणायाम टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं या परकसन एक्सरसाइज बोलते हैं, लाइंग डाउन पोजीशन में हम पीठ में पैटिंग टैपिंग वगैरह करते हैं ताकि वो सिक्रीशंस ग्रेजुअली कम हो जाए। एंड घर में और एक चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलर है, फिल्टर्स हैं, ये आपका एयर कंडीशनर्स है, एवरी टाइम टू टाइम उसका फिल्टर को चेंज करिए। अभी एयर प्यूरीफायर बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ये पॉल्यूशन, उस टाइम में उसका भी फिल्टर को रेगुलर टाइम पे आपको इंटरवल में क्लीन करना चाहिए। सुबह उठने के टाइम आपको इमिडिएटली घर को थोड़ा वेंटिलेशन के लिए विंडो डोर को ओपन करना चाहिए और घर के अंदर कुछ जो ऑक्सीजन सप्लाइंग प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गन्स अपने प्लांट्स वगैरह घर के अंदर आप रख सकते हैं। ये प्लांट्स रखने से आपको एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है घर के अंदर। कारपेट वगैरह जो घर के अंदर है उसको प्रॉपर टाइम पे सन एक्सपोजर होना चाहिए, उसके अंदर डस्ट और मॉइस्चर जितना कम हो तो आपको अंदर फंगल इन्फेक्शंस वगैरह का चांसेस भी कम हो जाता है। ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स है, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते रहेंगे और इस टाइप का पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग से दूर रहेंगे हम लंग कैंसर से बच करेंगे।